आखिर क्या होता है अप्लाइड आर्ट्स, कोई डिफरेंसेस है भी या लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। हाय गाइस, अभिषेक ओवर हियर फ्रॉम वॉल डॉग्स आर्टिस्ट स्टूडियो। तीशा गोयल का जो कमेंट आया था उस कमेंट के बेसिस पे एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ था कि फाइन आर्ट और अप्लाइड आर्ट के बीच में डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस अगर मैं बोलूँ तो उसको डिफरेंस प्रॉपरली नहीं बोल सकते, ये अलग तरीके से काम करता है, वो अलग तरीके से काम करता है, मगर दोनों अगर साथ में नहीं जुड़ेगा तो कोई भी एक हो नहीं पाएगा, वो है फाइन आर्ट और अप्लाइड आर्ट। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हर इंसान, हर बच्चा, स्टूडेंट या कोई भी कोई दूसरा स्ट्रीम में है मगर आर्ट पसंद करता है, क्रिएटिव है, हर बंदा टॉप नॉच आर्टिस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि उतना डिवोशन सबके पास नहीं होता है, उतना पैशन नहीं होता है। वो लोग से चाहता है कि इनिशियली आर्ट को साथ लेकर चलूं, मगर वहाँ से मैं कुछ अर्न भी करूँ कि मैं पेरेंट्स को बोल सकूँ या मैं खुद को भी बोल सकूँ कि हाँ मैं कुछ अर्न कर रहा हूँ। फाइन आर्ट का डिवीजन इतना है कि जहाँ पे क्रिएटिविटी, पेशेंस, डिवोशन, टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि उसका मार्केट जो है वो टॉप नॉच मार्केट है, बहुत ऊपर है। वो शुरू यहाँ से नहीं होता है, उसका शुरू ही यहाँ से होता है। पहले आप शुरू करते हो, फिर स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँचते हो, तब जाके आप आर्टिस्ट कहलाते हो। अप्लाइड आर्ट में ऐसा नहीं है। अप्लाइड आर्ट में सबसे पहला चीज़ तो ये है कि वहाँ पे हर स्टेप में हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ है। अप्लाइड आर्ट है क्या? फाइन आर्ट है जहाँ पे आप पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कलर वालर, बाकी चीज़ें जो भी होता है वो यूज़ करते हो। अप्लाइड आर्ट में उन चीज़ों के जगह पे आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। एडोबे का सॉफ्टवेयर आता है, उसमें प्रोक्रिएट एक सॉफ्टवेयर नया आया है, वो भी बहुत फेमस है, वो काफ़ी चल रहा है आजकल। इस तरीके से और भी सॉफ्टवेयर्स है जो वीडियो के लिए, फोटोग्राफी के लिए, एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए या कुछ और भी काम जो होता है, जैसे फूड ब्लॉगिंग होता है, फूड के ऊपर फोटोज होते हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री है जो बिल्कुल नया है, ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर भी आप फोटोग्राफीज कर सकते हो, वीडियोग्राफीज कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो वो सब जो पार्ट है ना, वो अप्लाइड आर्ट का है। वहाँ पे कमांड का खेल है, वहाँ पे टेक्निक्स का खेल है मशीन लर्निंग के अंदर। इधर सब कुछ मैनुअल है, बना दो, स्कल्पचर कर दो और कुछ रेडी करो, मिट्टी से बनाओ, पत्थर से बनाओ, कर्विंग करो या कैनवस के ऊपर कलर से बनाओ, कैनवस के ऊपर कोई पेपर कट करके बनाओ। इस तरीके की चीज़ों को भी आप अप्लाइड आर्ट के अंदर जोड़ सकते हो। कैसे? जैसे अप्लाइड आर्ट क्या होता है, मशीन से बनता है। मैनुअल कोई चीज़ को बना के अगर आप अच्छा बनाते हो तो आप उसको ले जाके भी एप्लाइड आर्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो, एक एडवर्टाइजिंग के अंदर, एक वीडियोग्राफी के अंदर। लगा लो आप एक महात्मा गांधी का पोस्टर बना रहे हो। अब आप बोलोगे सर ये तो पेंटिंग हो गया। नहीं, अगर मैं आपको ये बोलूँ न्यूज़पेपर का छोटे छोटे पीसेस बना के उसको जोड़ो, उसको जोड़ जोड़ के आँख नाक कान मुँह बना के महात्मा गांधी का एक फेस बनाओ, अब उसके अंदर कुछ स्टोरी होना चाहिए, कुछ कहानी होना चाहिए। कैसे? जैसे महात्मा गांधी के टाइम पे गांधी मार्च हुआ था, वो एक नमक के ऊपर एक वो आंदोलन किया था उन्होंने। तो इन चीज़ों के अगर हमें कोई फोटोज पेपर्स मिल जाए तो उसको फाड़ के अगर हम उसको बनाते हैं तो उनका एक स्टोरी क्रिएट हो जाएगा कि हाँ उन्होंने जो किया उसी से उनका पूरा स्ट्रक्चर, उनका पोर्ट्रेट बन के आया। अब वो अगर आप वीडियोग्राफी में एडिटिंग कर देते हो कि सिर्फ एक पार्ट बाय पार्ट चीज़ें जुड़ रहे और एक फेस बन गया, तो वो एक एडवर्टाइजिंग हो गया, एक प्रॉपर एडवर्टाइजिंग हो गया। तो आपने एडिटिंग जो किया वो हुआ अप्लाइड आर्ट के पोर्शन में, जो आपने बनाया वो हुआ फाइन आर्ट के पोर्शन में। अब आप कैसे डिफरेंस बनाओगे इसके अंदर? आप कैसे बोलोगे कि भेदभाव है? कोई भेदभाव नहीं है, सब कुछ शुरू एक जगह से ही होता है, वो है आपका एस्थेटिकल ब्यूटी, मतलब जहाँ पे आप ब्यूटिफिकेशन को इम्पोर्टेंस देते हो कि किस तरीके से बनाऊंगा तो अच्छा लगेगा। फिर आता है हिस्ट्री, मतलब आप पीछे की चीज़ों को समझते हो, उसके बेसिस पे क्या अलग बना सकते हो वो जानना चाहते हो। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशंस, जहाँ पे आप उसको कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करो कि ब्रश से करो, कैसे मर्जी कर सकते हो। तो डिफरेंस इतना है कि एक में कंप्यूटर में होता है, एक में मैनुअली होता है। अच्छा, अब आप मुझे बताओगे कि सर मुझे तो इतना कुछ आता नहीं है, फ़ोटो नहीं खींचना आता, मुझे तो इतना अच्छा फ़ोटो नहीं बनाना आता या वीडियो नहीं करना आता। नो प्रॉब्लम, आप मुझे एक चीज़ पर्सनली बताओ, कितने बच्चे आप लोग जो वीडियोज आज देख रहे हो, जब छोटे थे स्कूल में थे तो आपके जो वो बुक होते थे ना जिसमें आप लोग नोट लिखते थे, एक्सरसाइज बुक, उसके पीछे कितने लोगों ने अपना खुद का नाम को अलग अलग 10 स्टाइल में लिखा है? कमेंट बताओ मुझे कि कितने लोगों ने लिखा है। सब लोग लिखते हैं, मैं खुद लिखा हूँ। अब वही चीज़ अगर आप बर्गर किंग, डोमिनोज
मैकडॉनल्ड्स के लिए करते हो कि सिर्फ उनका नाम को अलग अलग 10 तरीके से लिख देते हो, बस इतनी सी तो बात है। तो इसी चीज़ को आप बच्चों के जो गेम होते हैं उससे ले जाके प्रोफेशनल में डाल रहे हो, सेम काम करके। कितना मजे आएगा समझ रहे हो आप? आप आपका नाम लिखते थे, उसके जगह पे आप अभी कंपनीज के नाम लिख रहे हो। बस इसमें गेम क्या है कि आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा जो आप ऑलरेडी हो, थोड़ा सा और होना पड़ेगा जो आप हो जाओगे। इतनी सी चीज़ है जो आपको एक एमेच्योर से इंटरमीडिएट और फिर प्रोफेशनल तक ले जाएगा। आप लोगो बनाते हो, लोगो डिज़ाइन करते हो, जैसे एक कंपनी है क्रोमा, अगर क्रोमा की नाम बोलूँ मैं, कितना सिंपल CROMA लिखा होता है, यही तो है। अब उस सिंपल के अंदर ना सिंपलिसिटी है, उसको बोलते हैं एस्थेटिकल ब्यूटिफिकेशन ऑफ आर्ट। अब वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि एस्थेटिकल ब्यूटिफिकेशन होता क्या है, वो बहुत बड़ा टर्म है, वो उसको समझना पड़ेगा। इट इज़ अ स्टाइल ऑफ फाइन आर्ट के, आप फाइन आर्ट पढ़ोगे तो आपको सीखना पड़ेगा। जो मेन बात मैं यहाँ पे कर रहा था वो है डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस बोल के कोई चीज़ नहीं होता, हर चीज़ एक के साथ दूसरा रिलेट करता है, कहीं ना कहीं बैलेंस करता है। सिर्फ डिफरेंसेस टेक्निक्स के होते हैं, कोई पेंसिल से है तो कोई आईपैड के आई पेंसिल से है, कोई चीज़ आप मैनुअली करते हो, वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हो, इतना ही डिफरेंसेस है। सबसे पहला चीज़ जो है लेआउट रेडी करना है ना। अप्लाइड आर्ट में जैसे पेंटिंग में क्या होता है, लेआउट बनाते हैं, फिर कलर बनाते हैं, फिर फिनिशिंग करते हैं, काम कंप्लीट हो गया। अप्लाइड आर्ट में लेआउट बनता है, लेआउट के बाद वो एक फाइनल लेआउट में आता है, फाइनल लेआउट के बाद वो आता है उसका कंसेप्चुअलाइजेशन में, फिर वो पूरा रेडी होता है और इसका कंसेप्ट बन के एक एड बन जाता है या एक वीडियो बन जाता है या एक फोटो बन जाता है या एक कोई पोस्टर बन जाता है। आप सोच के देखो दुनिया में कितने पोस्टर्स, बैनर्स, डैंगलर्स रोज प्रिंट हो रहे हैं, कितने पैकेजेस प्रिंट हो रहे हैं रोज के, उसके सबके डिजाइन्स हैं, उसके डायमेंशंस हैं, उसके अंदर कितना सामान आएगा, लेस का पैकेट है, इतना बड़ा पैकेट होता है, आधा में हवा होता है आधा में लेस होता है। अब उसको ऐसे प्लान किया गया है आपका माइंड सेट के साथ खेलने के लिए कि पैकेट बड़ा लगेगा, आप खरीद लोगे, खाओगे तो कम मिलेगा। ये सब कुछ साइंटिफिकल है और क्रिएटिवली बैलेंस्ड है। ये सब के लिए आप लोगों की ज़रूरत है जो क्रिएटिव हो, जो थोड़ा बहुत भी नया सोच सकते हो। सी को ऐसे ना लिख के उल्टा लिख सकते हैं क्या? क्या लोग उसको तब भी सी ही पढ़ेंगे? सिर्फ इतना सा गेम है, यहीं पे खेलना है। और सबसे मजेदार बात यह है कि पेरेंट्स को आप ये बोल सकते हो कि मैं माँ, अगर मैं माँ या पापा या जो आपके आपके पेरेंट्स हैं, जो भी आपको बड़े किए हैं साथ मिलकर, और बहुत लोग ऐसे होते हैं इनके पेरेंट्स में फादर मादर नहीं होते, मेरे स्टूडेंट्स के भी हैं जिनके पापा मम्मी दोनों नहीं हैं दुनिया में, उनको कोई और बड़ा कर रहा है, आगे लेके जा रहा है, तो आप उनको भी बोल सकते हो कि मैं अभी इनिशियली तो फाइन आर्ट के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मगर मैं अप्लाइड आर्ट में ये सॉफ्टवेयर सीख के और इसके बेसिस पे पैसा कमा के ला सकता हूँ इजीली, तो आपको वो लोग भरोसा करेंगे। इनिशियली ना पहले पैसा कमाने का एक नज़रिया बनाओ, जहाँ से आप अपने जो खुशी है, अपने जो तरीका है उसको अपना सकते हो। अभी अगर मुझे चावल खाने का मन, चावल को कमाने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा कमा के लाऊंगा ना, पैसा कमा के लाऊंगा फिर चावल खरीदूंगा फिर मैं खाऊंगा। तो इनिशियली फाइन आर्ट प्रैक्टिस करो, साथ साथ इन डिज़ाइंस को लेके चलो या इन पैटर्न्स को लेके चलो अप्लाइड आर्ट के, जहाँ पे आप छोटा सा एरिया में जाके महीने का 2-4, 5,000, 10,000 रुपये जो भी आपका मिनिमम हो सकता है वो कमाओ, उसको यूटिलाइज करो वापस, उसको फालतू जगह पे यूटिलाइज मत करो, उसको वापस यूटिलाइज करो अपने पेंटिंग्स के ऊपर, अपने कलर खरीदने के ऊपर, ब्रशेस खरीदने के ऊपर। आप अपने आप खुश हो जाओगे, आपका क्रिएटिव माइंडसेट और काम करने लगेगा, क्योंकि आप खुद खुश हो, आपको दुनिया अच्छा लगने लगेगा कि हाँ यार मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक हो रहा है। एंड दैट इज़ हाउ यू हैव टू वर्क। ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी एक सेंटेंस है कि ये मत करो पहले पैसा कमा लो, पैसा कमाना बुरी चीज़ नहीं है, आप कमाओ पैसा, सही रास्ते से कमाओ और फिर सही जगह पे यूटिलाइज भी करो। जो बात आज हम कर रहे थे वो है डिफरेंसेस, तो मैंने क्लियर कर दिया आपको, एक टेक्निकल होता है, एक होता है जो प्रैक्टिकल होता है, जो मैनुअली होता है। आपको डिसाइड करना है कि आप अच्छा फोटो खींच पाते हो कि नहीं। आपके पास कैमरा नहीं है, नो प्रॉब्लम, आजकल का फ़ोन बहुत अच्छा है, मेरे पास खुद के पास जो फ़ोन है हमारा वीडियो मैक्सिमम फ़ोन से होते हैं, हम लोग बाहर के बहुत सारे शूट फ़ोन से करके आते हैं, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम विथ एनीथिंग कि आपके पास कैमरा नहीं है तो आप नहीं कर सकते, आप फ़ोन से भी कर सकते हो। आपका क्रिएटिविटी लेवल जो है वो हाई होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या शॉट दे दूंगा कि उस बंदे को लगेगा मज़ा आ। और अगर आप लोगों को इतना सा सपोर्ट कर सकते हो जहाँ पे उसको मज़ा आ रहा है ना, यू विल अर्न मनी, आप अपने आर्ट के जर्नी से, आपके आर्ट के फील्ड से पैसे कमा सकते हो। देयर आर 50,000 न्यू ब्रांड्स इज कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट 50 ईयर्स में, या 10 साल में, या 5 साल में। आर्टिस्टों का ज़रूरत पड़ेगा, अगर आज आप रेडी नहीं हो रहे हो
तो आज से 10 साल बाद आप सिर्फ यही बोलोगे कि मैंने उस टाइम क्यों नहीं, अभी से रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, जितना आपको आता है उतना मार्केट के सामने लेके आ जाओ कि जी मेरे को तो इतना आता है। मार्केट आपको ले ना ले कोई बात नहीं, अगर नहीं लेता तो थोड़ा सा और डेवलप करो खुद को, और थोड़ा सा कोशिश करो कि मैं कैसे और डेवलप कर सकता हूँ, थोड़ा और सीखो, और वीडियोस देखो, जानो और फिर उसको यूटिलाइज करो, इंप्लीमेंट करो और आगे आओ। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग अस।